यूपी के फतेहपुर जिले के शहर क्षेत्र का रहने वाला शुभम अग्रहरी ने जिले का नाम रोशन करते हुए आईईएस की परीक्षा में देश में 19वां रैंक लाया है। रिजल्ट की घोषणा होते ही परिवारी जनों में खुशी की लहर दौड़ गई और माता पिता व क्षेत्रीय लोगों में शुभम को पहले फूल माला पहना कर स्वागत किया और फिर बाद में उसे मिठाई भी खिलाई। जिले के लाल शुभम का कहना है कि हमने पहले ही अटेम्प्ट में आईईएस की परीक्षा पास की है और इस पूरा श्रेय अपने माता पिता को दिया। वहीं शुभम की मां का कहना है कि मेरा लड़का शुभम पढ़ाई में बहुत अच्छा है और उसने पहले बार की आईईएस की परीक्षा में देश में 19वां स्थान लाकर हम लोगों का नाम रोशन किया है। सर मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मेहनत और रंग लाई है और मैंने तैयारी तो कॉलेज के अपने लास्ट ईयर से ही शुरुआत कर दी थी। उसके बाद अभी मेरा 2018 में सिलेक्शन हुआ जी, मेरा 2018 में कॉलेज अभी पास आउट किया मैंने। फिर मैंने दिल्ली में रहकर एक साल तैयारी की तो अभी उसका निर्णय आया कल, तो उसमें मेरा 19वां स्थान आया देश में। श्रेय किसको देते हैं? श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने दादाजी को देता हूँ और अपने सभी पूरी फैमिली को एंड मेरे फ्रेंड्स को भी, सारे फ्रेंड्स को। कितना समय लगता था आप पढ़ते थे? आप समय पढ़ने का ये था मेरा कि मेनली मैं 8-9 घंटे दिन भर के निकाल लेता था पढ़ाई के जी। और बाकी जैसे जब कोचिंग होती थी, क्लासेस होती थी, तब थोड़ा 5-6 घंटे हो पाती थी पढ़ाई, लेकिन ये था कि इफेक्टिव पढ़ाई हो पाती थी मेरी, सारा टाइम जो पढ़ाई पे एक्चुअली निकला जा रहा है जी। मेरा हाई स्कूल में 10th grade आया था एंड उसमें भी मैं टॉपर था अपने फतेहपुर में एंड फतेहपुर एंड इंटर में 92% है मेरे। सीबीएसई जी कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, सभी लोग खुश हैं, फैमिली खुश है, मम्मी खुश हैं एंड जो इतनी मेहनत थी वो रंग लाई है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने जी, मेरा ये पहला प्रयास था। बधाई आपका बेटा आईएएस बना होगा। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की, इस मेहनत के की वजह से वो हम लोगों से इतना दूर रहा, यहाँ तक कि तीज त्यौहार में भी आने को मना कर देता था कि मम्मी मैं 2 दिन के लिए आऊँगा, मेरा समय वेस्ट होगा और मैं सही हूँ और यही खुशियाँ हैं कि मैं आगे बन जाऊँ। वही मम्मी आपको भी त्याग करना पड़ेगा और मुझे भी त्याग करना पड़ेगा, अगर कुछ पाना है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। इस तरह से उसने अपनी परिश्रम से ज़्यादातर मतलब यहाँ व्हाट्सएप, फेसबुक, उसने 2 साल के लिए सब कुछ त्याग दिया था। मात्र हम लोग अगर फोन व्हाट्सएप में कुछ मैसेज भी भेजते थे तो 2-2, 3-3 हफ्ते भर हो जाते थे, वो अपना व्हाट्सएप नहीं चेक करता था। इस तरह ऐसा लगता था कि बच्चा आपका ये सुन रहा है? हाँ मतलब मुझे उम्मीदें थी क्योंकि जो भी वो कहता था, जो भी करके आता था, वो बिल्कुल जैसे क्या बताएं कि मतलब उसको बिल्कुल गेस हो जाता था, शायद 2-4 नंबर का फर्क इधर उधर होता था लेकिन वो बिल्कुल क्लियर रहता था। और ये भी उसने अभी मतलब जैसे ही मतलब इंटरव्यू हुआ उसने प्री की पढ़ाई फिर चालू कर दी, क्योंकि मान लीजिए कहाँ पे हमने गलती की है वो उसको नहीं पता, क्योंकि वो किया तो बहुत अच्छा लेकिन वो कह रहा था हमने पता नहीं कहाँ पे गलती की कर ली है की हो, इसके लिए मैं फिर से पढ़ाई चालू कर दूंगा, अगर मेरा इस बार नहीं आता तो मैंने एक उद्देश्य बना कर रखा है कि मैं हासिल करूंगा तो आईईएस। क्या नाम है आपका? प्रभावती गुप्ता, शुक्र।